नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को भारत विकास परिषद द्वारा भवन मंडी में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर व सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच और शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 17 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। परिषद शाखा के नेत्र चिकित्सा प्रभारी महेश शर्मा व उमाशंकर पौरवाल ने बताया कि सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के पूर्व ग्रुप प्रेसिडेंट नवरत्न मल्ली गुप्ता की स्मृति में सुपुत्री आशा व दामाद कैलाश बियाणी मुंबई के सौजन्य से सीताराम धर्मशाला में आयोजित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे, सीताराम नवाल, गोविंद भराड़िया और दिनेश गुप्ता के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप ज्वलन करके किया गया। शिविर में 43 मरीजों के आंखों की जाँच की गई। इसमें से 17 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिन्हें बस के द्वारा आनंदपुर ले जाया जाएगा, जहां सदगुरु सेवा संस्थान के चिकित्सालय में इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा एवं ऑपरेशन करवाकर उन्हें वापस भवन मंडी लाया जाएगा। इस शिविर में गोविंद भराड़िया, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, दिनेश गुप्ता, सीताराम नवाल, महेश शर्मा, उमाशंकर पौरवाल, प्रहलाद सिंह सोनगरा, परमजीत सिंह, राजेंद्र गोयल, संदीप राठौर, मनोज लोढ़ा, गंगा गुप्ता, कमले तलाल आदि का सहयोग रहा। रायपुर कस्बे से आज अज्ञात चोर बाइक पर रखा 2 लाख से भरा व्यापारी का बैग लेकर फरार हो गए। रायपुर थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी व्यापारी शहर खान ने लहसुन का व्यापार करने के लिए सेंट्रल बैंक शाखा से 50,000 रुपये का निकाल कर एक बैग में रखे थे और बैग 1.5 लाख रुपये पहले से ही बैग में मौजूद थे। व्यापारी रायपुर गुरुद्वारे के पास खड़ी बाइक पर बैग को बाइक कर रखकर पेशाब करने चला गया। जब वो लौटा तो बैग गायब था। पीड़ित ने घटना की सूचना रायपुर पुलिस को दी। पुलिस कस्बे में वारदात वाले स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी हुई। पिराव के राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के दूसरे दिन एक दिवसीय शिविर और राजमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती वर्ष पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यवाहक आचार्य ताराचंद ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्वयं सेवक सेविकाओं ने श्रमदान किया। व्याख्यान कार्यक्रम में सहायक आचार्य असित मधुल, डॉक्टर सुरेश जिनगल, कार्यवाहक प्राचार्य ताराचंद, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी कुलदीप कुमार मगवा ने मराठा शासन के इतिहास एवं राजमाता अहिल्याबाई की जीवनियों, कुशल शासन प्रबंध पर विस्तार से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। वहीं अहिल्याबाई के जीवन मूल्यों से व्यक्तित्व विकास के बारे में विद्यार्थियों को लाभान्वित भी किया। इस दौरान सभी विद्यार्थियों को NSS बैच व टॉपी डायरी वितरित की गई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सभी विद्यार्थी जो 1 जनवरी से 2025 तक 18 साल की आयु प्राप्त कर रहे हैं, उनको आवश्यक रूप से मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया। नशा मुक्ति अभियान के तहत सभी विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई गई। मंच संचालन सहायक आचार्य रवि कुमार मीणा ने किया। पिड़ावा क्षेत्र के कोरड़ी गाँव में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उपविजेता रही टीम के खिलाड़ियों का ग्राम पंचायत द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। गंगदार में संपन्न 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने 17 वर्ष आयु वर्ग में 9 स्वर्ण व 4 सिल्वर मेडल जीतकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय में छात्रा सीमा डांगी को बेस्ट एथलेटिक्स का अवार्ड मिला है। वहीं 11 वर्ष आयु वर्ग की खो खो प्रतियोगिता में कोतड़ी पंचायत के रूपपुरा स्कूल के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा होनहार खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं गाँव में उपविजेता का जुलूस निकाला गया। इस दौरान सरपंच हरिराम गोचन, प्रधानाचार्य शैलेंद्र, प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश मेघवाल, अध्यापक गिदारी लाल, उप सरपंच सरवण सिंह, कपाल सिंह, महेश सेन, सीता राम प्रजापत सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। पिड़ावा शहर में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित होने वाली भव्य रजत रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। समाज प्रवक्ता मुकेश जैन चलावत ने बताया कि रथ यात्रा को लेकर समाजजन गुरुवार रात्रि को निमंत्रण पत्र बांटने शहर के ब्रह्मानंद कॉलोनी में पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों ने सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष सुधीर जैन व अन्य वरिष्ठ जनों का सापा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रैंड मर्चेंट प्रेमचंद जैन, प्रद्युमन जैन, प्रदीप जैन, सुरेश जैन, संजय राणा, जसवंत सिंह, सुशील जैन, नरेंद्र जैन, लक्की जैन, अभय जैन, कपिल, बबलू चौधरी, संजय जैन, मुकेश, राकेश, मनीष, राजेंद्र जैन, अभिनंदन जैन आदि उपस्थित रहे। डॉ काया वर्णेश्वर रमादेवी पत्नी उमाशंकर शर्मा वेद चौमेला द्वारा भगवान काया वर्णेश्वर महादेव के श्री चरणों में समर्पित की गई चांदी से बने श्रृंगार आभूषण काया वर्णेश्वर महादेव को उनके परिजनों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर समर्पित किए गए। झालावाड़ में विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कमिश्नर फूड एंड ट्रक के निर्देश पर संपूर्ण राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान प्रारंभ किया गया। झालावाड़ जिले में कलेक्टर अजय सिंह राठौर के निर्देशन में तथा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के
नेतृत्व में शुद्ध आहार मिलावट पर उपहार अभियान दीपावली अभियान में जिले में विभिन्न स्थानों से लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मावा बर्फी मलाई बर्फी दूध बेसन मसालों नमकीन रसगुल्ला एवं अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। मंदसौर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने गुरुवार मंदसौर जिले में कार्रवाई करते हुए एक पंचायत के सहायक सचिव को 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत को सहायक सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हितग्राही के खाते में भेजने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। फरियादी की शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोर सहायक सचिव पर शिकंजा कसा और पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल कुमार विश्वकर्मा को आवेदक राजू लाल अहिरवाल निवासी अजयपुर ने एक लिखित में शिकायत की। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सचिव राधेश्याम प्रजापत ने प्रधानमंत्री आवास की द्वितीय किस्त जारी करने हेतु 10000 रुपये की रिश्वत की मांग की है, जिस पर से सत्यापन करवाया गया और फिर DSP लोकायुक्त बसंत श्रीवास्तव द्वारा गुरुवार को ग्राम पंचायत अजयपुर जनपद पंचायत सीतामोह तहसील सुहासरा के ग्राम रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत को 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खबरों फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। मोटर्स का 15 दिनों के लिए बम्पर ऑफर, न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर प्लस स्टेक 125cc पर बिग डिस्काउंट के साथ कीजिए शगुन वाली खरीदारी। एक्स शोरूम कीमत 84,678 रुपए, जिसमें आपको मिलेगा 2,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, साथ ही दूध किसानों के लिए अलग से 1,000 रुपए का डिस्काउंट का खास ऑफर। लविश मोटर्स कोटा मोटर कंपनी के साथ 2024 की दिवाली होगी बिग डिस्काउंट वाली। हमारा पता है लविश मोटर्स कोटा मोटर कंपनी, बिरला कॉलेज के पास, गंगपुरा का खेड़ा, भवानी मंडी। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों 7357430555 और 7737374937 पर कॉल कर आप ले सकते हैं हमसे अधिक जानकारी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग
पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।